हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अच्छे बनवाद यूट्यूब चैनल। आज जो है हम एक पोएम करने वाले हैं जिसका नाम है नोजेस, जो यूनिट टू का है, द लिटिल फिर ट्री नोजेस के बारे में हम जो है आज हम पता करेंगे। आइए इस पोएम को पढ़ते हैं। लेट्स रीड एंड सिंग नोजेस। पहले हम इसको रीड कर लेते हैं इस पोएम को। आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज, इट्स द फनीएस्ट थिंग The way it grows, stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair. And between there isn't much space to spare with my nose like a handle sticking there. If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. So the author is Alan Fisher. आइए अब मैं आपको ये जो है हिंदी में समझा देता हूँ। I looked in my mirror. मैं अपने मिरर में देखती हूँ, बिकॉज़ मैं देखती हूँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लड़की के बारे में है ये। मैं अपने मिरर में देखती हूँ और अपने नाक को, नोज़ को देखती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़नी चीज़ है, बहुत हंसने वाली चीज़ है। ये बढ़ती है और कैसे दिखाई देती है इस पर मैं देखती रहती हूँ। इसके दो होल्स हैं जिससे मदद से ही हम सांस लेते हैं। हम मिरर में देखते हैं कि ये कैसे एंड में बन, ये चिन आपकी जो ये ठोड़ी होती है और ऊपर हेयर, इनके बीच में जो है बनी होती है स्पेस, जैसे एक हैंडल जो है लटक रहा हो वैसी ही नाक होती है। अगर आप कुछ शाउट चिल्लाना हो या अपने आप को कुछ कहना हो तो एक ही चीज़ है जिससे हम कर सकते हैं, वो है मिरर, शीशा, आईना, ठीक है, उससे ही कर सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये कहना अच्छा है कि हमारा नाक ही जो है सबसे ज़्यादा फनी चीज़ होती है। और ये जो पोइम है एलन फिशर ने लिखी है। आइए हम कर लेते हैं न्यू वर्ड्स। मिरर जिससे हम देखते हैं, यानी आईना, फनीएस्ट हंसने वाली चीज़, ब्रीदिंग जिससे सांस लेना, स्टिकिंग चिपकना, गिगिंग बना। आइए अब हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। रीडिंग इज फन, पहले ये वाला टॉपिक हम कर लेते हैं। व्हाई डज पोएट फील दैट द नोज इज अ फनी थिंग? पोएट क्यों ऐसा क्यों लगता है कि नोज फनी चीज है? द पोएट फील्स दैट द नोज इज फनी बिकॉज थिंग बिकॉज इट्स स्टक ऑन द फेस लाइक अ हैंडल एंड बो हैज टू लिटिल होल्स। पोएट को इसलिए ये फनी थिंग लगती है क्योंकि ये नाक में ऐसे जो है लगी होती है जैसे कोई हैंडल होता है जिसमें दो शेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज नोज इम्पोर्टेंट फॉर यू? नाक इम्पोर्टेंट क्यों होता है? नाक इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये दो होल्स होते हैं जिसकी मदद से ही आप सांस ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, डज द चाइल्ड इन द पोइम लाइक हर नोज? व्हाई डू यू थिंक सो? क्या जिसमें अंदर जो चाइल्ड है, बच्ची है, वो अपने नाक को पसंद करती है? आप बताइए इसका आंसर। द चाइल्ड इन द पोइम डेफिनेटली लाइक हर नोज, शी टेक इज अ फनी थिंग व्हिच स्टिक्स ऑन आउट ऑफ लाइक अ हैंडल। हाँ, डेफिनेटली उसको अच्छी लगती है अपनी नाक, क्योंकि उसको ये फ़नी चीज़ लगती है जिस नाक पे हैंडल से लगी, तो उसको अच्छी लगती है जिसके कारण ही वो उसको ये फ़नी लग रही है। अगला हम क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट्स टॉक, डिस्क्राइब अ फनी थिंग्स दैट यू हैव सीन। कोई भी आप कह सकते हो, ये आप करने वाले क्वेश्चन से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है।